आज भभुआ शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे पूरी फोर्स के साथ जिले के आला अधिकारी डीएम और एसपी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील। आपको बता दें कि बिहार में तेजी से बढ़े कोरोना महामारी को लेकर कैमूर जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे लगातार जागरूकता के बाद भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं और बिना मास्क की सड़कों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जहां कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं कैमूर जिला में अब तक 70 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट हो गया और लोगों को गाइडलाइन नहीं मानने पर आज मजबूर होकर डीएम और एसपी सड़क पर उतरकर लोगों को सख्ती बरतने के लिए अपील किए हैं। वहीं भगवान थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल ने बताया कि जिला में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला में आला अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों से अपील किया गया कि लोग अपने घर से निकलते वक्त मास्क लगाकर निकले और गाइडलाइन का पालन करें, नहीं तो जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी से अस्थायी रूप से ठेला लगाकर सब्जी बेचने वाले लोगों को हटाकर नगर पालिका के मैदान में उनको जगह दिया गया है, वहाँ पर अपना ठेला लगाएं, वहीं पर कस्टमर जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, ताकि यहाँ पर रोड पर अव्यवस्था नहीं रहे और भीड़ भाड़ नहीं हो। ये कोविड को देखते हुए सरकार के निर्देश के आलोक में ये किया जा रहा है। कैमूर न्यूज के लिए भगवान से रवि जडेजा की रिपोर्ट।